इन दिनों लोग दिल से जुड़ी बीमारियों का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कम उम्र में ही लोग हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। दिल से जुड़ी इन बीमारियों के पीछे सबसे बड़ी वजह आपका बढ़ता बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है। दरअसल हमारे शरीर में गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल दो तरह के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं, लेकिन जब हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो लोगों को स्ट्रोक, हार्ट अटैक और दिल संबंधी बीमारी की समस्या बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना अनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी बढ़ती रहती है। जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में पहले से ही कुछ संकेत दिखने लगते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वो लक्षण कौन से हैं। ये हैं कोलेस्ट्रॉल के लक्षण। हाथ पैर सुन्न पड़ना, बहुत ज्यादा सिर दर्द होना, अक्सर सांस का फूलना, बेचैनी सी महसूस होना, वहीं वजन बढ़ना भी एक बड़ा लक्षण दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल स्तर। डॉक्टर के अनुसार अगर हमारे ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 100 mg से कम है तो ये एक नॉर्मल स्तर है। वहीं अगर ये 130 mg से ज्यादा हो जाए तो ये आपके लिए चेतावनी है। लेकिन अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 160 mg से ज्यादा है तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है, यानी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है। वहीं आपको एक और बात बता दें कि अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने पर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें।